Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, we learned about simple harmonic motion with an example. ठीक है, हमने उसकी mathematical terms भी देखी थी. और कुछ questions रह गए थे आपके, कुछ questions थे. ठीक है, ये मेरे सामने आपके questions खुले हुए हैं, ये मे भी आपको नजर नहीं आएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस आपके कुछ रह गए थे, वो हम आज जल्दी जल्दी से वो वहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस वगैरह. ठीक है, जब लेक्चर ये वाला खत्म होगा तो स्टार्ट करते हैं आज का. अच्छा, टुडेज लेक्चर विल बी वेव मोशन. अब वेव मोशन की सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन देखनी है कि व्हाट इज अ वेव. A wave is a disturbance in a medium which causes a particle of a medium to undergo vibratory motion about their mean position equal intervals of time. अब देखिए, हमने vibrations के बारे में पढ़ लिया. What is vibration? To and from motion. ठीक है, अब वही vibration अगर किसी भी medium के अंदर produce हो जाती है. ठीक है, किसी भी medium के अंदर, medium अभी कुछ भी हो सकता है, air medium है आपका. ठीक है, space है, water है, through wires हो गया. ये आप सबका मीडियम, ये इनको आप मीडियम बोल देते हैं. ठीक है, अगर वहां पर डिस्टरबेंस हो, डिस्टरबेंस कॉज का ये मतलब है कि वो उसका जो मीडियम है उसको आप थोड़ा सा छेड़छाड़ी करें. जिस तरह की साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स भी बेसिकली आप क्या करते हैं कि एयर के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है. डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होने के बाद उसके अंदर एनर्जी वगैरह आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, तो वेव क्या है कि डिस्टरबेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉज़ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन. अब ऐसी डिस्टरबेंस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स को, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेशन की स्वरूप में ले आए, वाइब्रेशन के हाल में ले जाए. ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, वेव. और ये भी बात होनी चाहिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल में सेम वेव, मतलब सेम डिस्टरबेंस होनी चाहिए आपकी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ वेव. अब इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो मोबाइल फोन के जो सिग्नल आपके आ रहे होते हैं. ठीक है, आप देखते हैं ना मोबाइल फोन के जब सिग्नल्स आ रहे हैं या वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो बेसिकली दैट इज अ वेव. वेव्स असल में कैप्चर कर रहा है आपका मोबाइल फोन. ठीक है, उसमें यह है कि जितनी ज़्यादा वेव्स की इंटेंसिटी उसके पास अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो उतने ज़्यादा सिग्नल आपको शो करेगा. अगर उसके पास इंटेंसिटी कम होगी, उसके पास उसकी वेव की जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा कम, अगर वो आपको कैप्चर करेगा तो आपको सिग्नल भी या टावर्स भी उसको कम दिखाएगा. ठीक है, ये इसके हम इंशाल्लाह बाद में बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि वेव्स कौन सी टाइप्स की होती हैं. टाइप्स के अंदर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि हाउ वेव्स वर्क बेसिकली. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेव बेसिकली होती क्या. ठीक है, उर्दू में तो आपको पता है लहरों को बोलते हैं, लहर होती है. लेकिन इंग्लिश के अंदर अब जो टेक्निकल टर्म्स है उसको यही बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेशन अगर हो जाए मोशन के और सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम वाइब्रेशन हो तो उसको हम वेव बोलते हैं. अब देखें, अब उसकी हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि वेव्स, चले हमने देख लिया. ठीक है, वेव्स की हमने बात की, डिस्टर्बेंस वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो इसका फायदा क्या हमें या इसकी इम्पोर्टेंस क्या हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर. तीसरा, मैंने आपसे पहले साउंड एनर्जी की बात की थी, साउंड वेव्स की. अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता तो है साउंड, लेकिन उससे क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी उठा कर लेकर जाता है. अब मैंने जो मेरी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो साउंड है, ये जो आपको आवाज़ आ रही है आपके कानों में, ये बेसिकली दिस इज एनर्जी. ठीक है, एनर्जी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. लेकिन इस ट्रांसफरेंस के लिए मुझे एक कोई चैनल चाहिए. जिस तरह अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको कार, बाइक, मोटरसाइकिल या पैदल वगैरह जाना पड़ता है. ठीक है, तो वो आपका क्या है, कैरियर है या कोरियर है, जो भी आप उसको कहना चाहें. इसी तरह एनर्जी का कोरियर होता है या कैरियर होता है वेव. ठीक है, अब वेव आपकी एनर्जी लेकर जाता है, छोटे डिस्टेंस पे भी, लार्ज डिस्टेंस पे भी, वायरलेसली आपकी क्या करता है, ये लेकर जाता है. वायर के जरिए भी लेकर जाता है, वायर के अंदर भी वेव्स ही होती हैं बेसिकली. ठीक है, अब वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि उनके लिए कोई ना कोई ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी सोर्स चाहिए होता है. ठीक है, ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग एंड वाइब्रेटिंग सोर्स. अब जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरा वाइब्रेटिंग सोर्स क्या है, मेरा अपना गला जो है, हलक जो है, अगर मैं बोलता हूँ तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, तो दैट इज अ वाइब्रेटिंग सोर्स. ठीक है, अगर आप माइक्रोफोन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है, जो माइक जिसको बोलते हैं,
माइक के अंदर एक डायफ्राम होता है, दैट इज अ वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है। सो आपने स्पीकर्स भी देखे होंगे, बड़ी अगर ऊंची आवाज में चलाते तो आपको बकायदा महसूस भी होता है, नजर भी आता है कि वो वाइब्रेशन उनकी हो रही है, तो दैट इज अ वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से साउंड वगैरह आपको प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसी की वेव फॉर्म देखेंगे। अब हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं, ये बाकी बुक्स के अंदर बनी आ रही हैं। एक मिनट, आई होप अब क्लियर होगी आपकी बात। अच्छा, अब एक्टिविटी हमने एक देख ली, ये देखिए यहाँ पर भी आपको राइट साइड में, ये लेफ्ट वाली इंग्लिश मैं आपको खुद ही दे दूंगा, ये पढ़ते रहिएगा आप, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको राइट साइड पे आपको राइट साइड पर आपकी ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर आपने एक टप लिया या पानी का कंटेनर लिया जिसके अंदर पानी डाला हुआ आपने, ठीक है, और एक साइड पर आपने कॉर्क रख दिया या कोई भी एक ऐसी चीज रख दे जो मतलब उसके अंदर डूबे ना। ये कॉर्क होता है बेसिकली लकड़ी और प्लास्टिक का होता है, आपने देखा भी हो शायद वो मूवीज के अंदर दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं वो जो शराब वगैरह के ऊपर उन्होंने लगाया था ढकना वगैरह लकड़ी का, ठीक है, दैट इज अ कॉर्क। अब मैंने क्या करना है कि एक साइड में मैंने उसको रखा, ठीक है, और दूसरी साइड में मैंने वेव प्रोड्यूस करनी है। वेव प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास, मैं जो इधर लाया अमल अख्तियार कर रहा हूँ उसमें यह है कि पेंसिल मैंने उसके अंदर डिप करनी है, डिप करके निकालनी है, फिर डिप करनी है, फिर निकालनी है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी मोशन आपको शो करा रहा है पेंसिल के साथ, देख लें आप, अप एंड डाउन मोशन है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स प्रोड्यूस होने से क्या फिर उसके बाद एक और प्रोपगेशन होती है वेव्स की। प्रोपगेशन का मतलब क्या, आप एनर्जी यहाँ पर एक इस पॉइंट पर जहाँ पर पेंसिल बनी हुई है यहाँ इस पॉइंट पर आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। अब एनर्जी यहाँ पर अप्लाई होने से क्या होगा कि यहाँ से एनर्जी लेस एनर्जी वाली जगह पर ट्रेवल करेगी फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी लो है, आउटसाइड एनर्जी कम है, तो क्या होगा कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वेव प्रोपोगेट करेगी, यहाँ से जाती जाती यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब देखें यहाँ पर वेव्स की जो बीच की गैप्स हैं वो कम जाते जाते दूर होता जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वेव अपना मोमेंटम या अपना एनर्जी लूज कर रही है, लेकिन नॉनदलेस हमने बात करनी है वेव्स की। अब देखें वेव्स जब इस तक पहुंचेंगी, मतलब जो उसका अप एंड डाउन मोशन होगी वेव की, वेव आपने देखी है समुद्र के अंदर किस तरह प्रोड्यूस होती है, एग्जैक्टली वैसे ही जब वेव इस कॉर्ड के ऊपर पहुंचेगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वेव्स के जरिए से बहुत सारी चीजें चलेंगी, आगे चलेंगी, नहीं, वेव्स अगर स्टिल वेव्स हैं, अगर हम इस तरह की बात करें, हम पानी को पुश नहीं कर रहे, हम सिर्फ पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉर्क ने सिर्फ अप एंड डाउन मोशन देनी है, इधर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मोशन होगी, राइट या लेफ्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी पेंसिल की डायरेक्शन भी अप एंड डाउन है। अगर मेरी थोड़ी सी भी पेंसिल की डायरेक्शन राइट या लेफ्ट की तरफ होगी तो इसने मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर वेव बिल्कुल एग्जैक्टली अप एंड डाउन मोशन के अंदर ही प्रोड्यूस की थी तो कॉर्क ने भी अप एंड डाउन ही मूव करना है, ना कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये वाला बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है पेपर में कि व्हाई दिस कॉर्क विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन राइट या लेफ्ट, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए वेव्स की डायरेक्शन भी अप एंड डाउन ही है, हमारी एनर्जी सारी की सारी अप एंड डाउन है। अब जब हमने फोर्स ही हमने डाउनवर्ड लगा रहे हैं तो कॉर्क भी आप या डाउनवर्ड ही जाएगा ना, राइट लेफ्ट तो नहीं जाएगा ना, सिंपल सी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप एक चीज एक गाड़ी को पुश कर रहे हैं राइट साइड पे तो उसने लेफ्ट साइड पे मूव नहीं करना, बैक साइड आपको मूव नहीं करना, जिस साइड का फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड पर मूवमेंट उसकी होगी। इसी तरह एग्जैक्टली वेव का भी यही है कि आपने एक साइड पर फोर्स लगाई पानी में, अब वो मीडियम ने वो क्या किया कि वो वाली फोर्स या वो वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मतलब जो फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी राइट साइड पर ट्रैवल करेगी, हर साइड पर ट्रैवल करती है, तो जहां जहां पर भी वो उसको इंटरेक्शन होगी उसकी तो एग्जैक्टली वैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा जिस तरह की हमने फोर्स उसकी पेंसिल से अप्लाई की थी। हमने फोर्स कहाँ पर अप्लाई की थी, किस तरह अप्लाई की थी, अप एंड डाउन अप्लाई की थी, तो यहाँ पर भी अप एंड डाउन मोशन होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये वाली इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा सारा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्क इज जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ वो फ्लोट करेगा अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट करता जाएगा, जिस तरह की मैंने यहाँ से एनर्जी या जिस तरह की यहाँ पर मैंने फोर्स वगैरह अप्लाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, मे बी उसमें कुछ पॉइंट्स इसमें आपको अनक्लियर है वो उसमें क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पर रोप ली,
ठीक है, एक साइड पर मैंने दीवार के साथ बांधी, रस्सी वगैरह आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने पी वाले पॉइंट में कीड़ा लगा दी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बता रहा है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कीड़ा लगा दी, ठीक है, एंड मार्क का पॉइंट पीस ने मार्क किया, मैं कहता हूँ यहाँ पर कीड़ा लगा दिया। अब सिर्फ हाथ को आपने ऊपर नीचे ऐसे, मतलब जिस तरह वेव नहीं बनाते आप, ठीक है, वैसे आपने वेव की मोशन देनी है उसको, तो आप सिर्फ पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है ना, राइट साइड जाएगा ना लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही काम पानी के अंदर भी था, वाटर के अंदर था, कि आपने जब उसके ऊपर मोशन अप्लाई की थी तो वेव प्रोड्यूस हुए, वेव प्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि जो उसके एंड पे कॉर्क पड़ा हुआ था वो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन में गया, राइट साइड या लेफ्ट साइड में नहीं गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये सिर्फ अप जाएगा फिर डाउन जाएगा फिर अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, ये वेव आपके आगे जाती जाएंगे। अब ये देखें आपने, ये यहाँ पर पी से पीछे आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हुई राइट साइड पे गई, राइट साइड से आने के बाद वापस पीछे आएगी, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो सिर्फ सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करेगा, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है, और एनर्जी ट्रैवल करती है लेकिन जहां जहां पर भी उसका एलिमेंट्स या एटम्स वगैरह आते जाएंगे या कुछ भी आती जाएगी बीच में, सिर्फ उनको डिस्टर्ब करेगा, जिस भी कंडीशन में आपकी वाइब्रेटरी मोशन जहां से स्टार्ट हुई थी, जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई थी, उसी डायरेक्शन में सबके सबको वो डिस्टर्ब करता हुआ जाएगा, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन हमेशा एंड पे होता है क्लास के, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये दो एक्टिविटीज है, ये वाली अगर आप एक्टिविटी कर सकते हैं घर में तो वेल एंड गुड है, ठीक है, खुद आप देख लेंगे। पानी वाली ये वाली एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, 10.1 आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन बाजू का ये होता है कि ये वाली जो अप एंड डाउन मोशन है ये इतनी सही परफेक्टली नहीं होती, तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आगे चलने लग गया, ये पीछे चलने लग गया, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इस वजह से कंफ्यूजिंग होती, क्योंकि ये अप एंड डाउन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाती, ये वाली ठीक हो जाती है, ये इजी है थोड़ी सी, ठीक है, ये जैसे रोप एंड सपोर्ट। हेलो, अच्छा हेलो सर, वेव्स के अंदर दो चीजें होती हैं, दो तो नहीं खैर बहुत सारी चीजें, लिखा हुआ है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कुछ भी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वेव की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर पेन ले सकूँ अपना, ठीक है, वेव्स किस डायरेक्ट किस तरह की मैंने बनाई थी, जब भी बनाता हूँ ठीक है, इसको मैं जरा हेलो यहाँ पर बनाते हैं, हेलो हेलो और जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हेलो, ये वेव लेंथ है, एक वेव की बात करो दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और ये हम आगे पढ़ेंगे भी, अभी जो वो जो मैं आपको वेव्स कौन है यार बता रहा हूं। अच्छा, तो एक बात का से लेके यहां तक टाइम पीरियड भी होगा कि एक वेव कितने टाइम गुजरा है, द टाइम टेकन फॉर अ वेव टू कंप्लीट इट्स कंप्लीट साइकिल ऐसा ऑल टाइम पीरियड, ठीक है, लेंथ इसकी वेव लेंथ होती है लैम्डा, उससे टाइम कितना रिक्वायर है उसको, तो वो दैट इज दैट विल बी टी अब्दुल्ला, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरी है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, यहां से लेके यहां तक उसका, ये देखिए ये जो इसकी हाइट है ऐसा ना, that is amplitude, that is the value of, या फिर उसकी आप कह सकते हैं कि ये कितनी शिद्दत के साथ उसकी वेव है, यानी कि उसका जो क्रॉस कितना ऊंचा है, वेव्स अगर ज्यादा होंगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, वेव्स कम होंगी तो छोटी एनर्जी, मतलब वेव्स बड़ी होंगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, वेव्स छोटी हैं तो कम एनर्जी है, तो ये बेसिकली होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए से कैपिटल ए से क्या बोल, क्या बोल, आई होप दिस इज क्लियर, आसान है, ओके ओके एक मिनट, आसान हाँ, क्या हाली मैंने ये देखा नहीं, म्यूट करना था सबको, मुझे याद नहीं। अच्छा,
तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब देखें कैटेगरीज ऑफ वेव्स. आई होप दिस इज क्लियर अप अंटिल नाउ. इसमें आप देखें वेव्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं. टोटल दो कैटेगरीज होती है, एक मैकेनिकल वेव्स है, एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स है. ठीक है, अभी सिर्फ हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सॉरी डेफिनेशन और वन और टू एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि मैं आपसे आप लोगों से खुद पूछना चाहूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी क्लियर हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक में हो जाएगा आपका सेकंड लेक्चर आप लोगों का इस वीक में. देखिए मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है. मीडियम रिक्वायर होने का ये मतलब है कि जब तक उसको मोशन जो वेव की मोशन है या वेव की एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कोई कैरियर की या कोरियर की जरूरत पड़ती है. अगर आप एक वुडन स्पून रखते हैं सामने, वुडन स्पून रखते हैं और उसकी एक साइड पे आग लगा देते तो आपकी दूसरी साइड पर आपको उसकी हीट महसूस नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो एनर्जी है उसको मूवमेंट के लिए या उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको ऐसा मीडियम चाहिए जो के कंडक्टर हो, हीट कंडक्टर हो. ठीक है, अब वो लकड़ी के अंदर हीट वगैरह नहीं हो. ठीक है, इसी तरह जिस तरह माचिस की तीली आप जलाते हैं तो एक साइड पे आग लगी है, दूसरी साइड से आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं ना तीली को. ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह अगर कोई भी वेव है ऐसी वेव जिसको मीडियम रिक्वायर होता है उसका इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव जिस तरह की होगी, साउंड वेव के लिए आपको मीडियम रिक्वायर है. अगर आप स्पेस में जाकर बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, उसके लिए एयर का होना लाजमी है. ठीक है, अगर आप वाटर में जाके बोलेंगे तो आपको फिर भी आवाज नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि वो उसका मीडियम ही नहीं है. मैकेनिकल वेव्स के लिए स्पेसिफिक मीडियम का होना लाजमी है. ठीक है, अब देखें करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए? वायर्स. ठीक है, अगर मैं उसको एज इट इज एयर में भेजना चाहूँ करंट को तो नहीं लगेगा. आप घर का स्विचेस ऑन कर ले आपको करंट वैसे ही बैठे बिठाए नहीं लगेगा जब तक आप जाकर खुद हाथ नहीं लगाएंगे वायर के ऊपर. ठीक है, तो उसके लिए भी देखें उसका जो मीडियम है दैट मीडियम इज वायर. साउंड के लिए मीडियम इज एयर. ठीक है, हीट के लिए मीडियम इज कंडक्टर. दैट इज मैकेनिकल वेव्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये मतलब है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. लाइट वेव्स देख लें, लाइट वेव्स स्पेस से भी होकर आ रही है नीचे. ऐसी बात है ना, वो सूरज की जो रोशनी है क्रॉस करती जा रही है, हमारी ओजोन लेयर है उसको भी उसने क्रॉस किया, उसके बाद हमें वहां तक पहुंच गया. अगर हम समंदर के अंदर भी जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है अंटिल के वो खत्म हो जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दैट वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एनी मीडियम. उसको लड़कियों वाली आवाज किसकी है? मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती वो नोशी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नोशी चली जाती है. पानी के अंदर आपने लहरें बनानी है तो पानी का होना लाजमी है. ठीक है, इसी तरह साउंड वेव्स की मैंने कोई बात की, वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स सी चीज है. अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस करनी है तो स्ट्रिंग जिस तरह वो एक बड़ी अच्छी सी बात है, कहते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दांत का होना लाजमी है. इसी तरह इधर भी यही है, स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस का होना होने के लिए स्ट्रिंग का होना लाजमी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करें तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. रहा वो बंद रहा, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. रेडियो वेव्स होगी, टेलीविजन वेव्स होगी, एक्सरेज होगी, हीट एंड लाइट वेव्स. लाइट वेव्स की अगर बात करें सूरज से आ रही है डायरेक्ट, हीट वेव्स की भी वही बात है. अब देखें हीट, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि आपने नाइन्थ के अंदर पढ़ा होगा कि कन्वेक्शन कंडक्शन है रेडिएशन. तो रेडिएशन बेसिकली एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल. रेडिएशन आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एस्पेक्ट है. रेडियो वेव्स आपने देखा है कि यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है एक टॉवर से सैटेलाइट की तरफ, सैटेलाइट से वापस. अब सैटेलाइट आपका स्पेस में, सैटेलाइट आपका स्पेस में है तो यहाँ से एयर से होता हुआ स्पेस के अंदर जाता, स्पेस से वापस नीचे आता. ठीक है, और उसके लिए तुम्हारे भी होंगी तो आप किसी कमरे में बैठ के देख रहे हैं ना, रेडियो सुन रहे हैं, या रेडियो वेव्स बेसिकली ये होती हैं, रेडियो के लिए भी वेव्स हो रही हैं साथ में, इनको भी रेडियो वेव्स बोलते हैं. ये जो आपकी कम्युनिकेशन वेव्स जिस तरह टेलीविजन के लिए, ठीक है, वो बेसिकली है आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स. आप सही कोने में बैठकर वायरलेस की आप देख सक रहे हैं तो उसके लिए मतलब मकसद यही है कहने का
कि आप कहीं पर भी जाके बैठ जाए, दीवारें भी क्रॉस कर जाएगा वो, दरवाजे भी या कहीं किधर भी बैठे हुए हो, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहले पिछले भी मैंने क्वेश्चंस कुछ मुसलमान दवा खाने, बाकी जो पिछले क्वेश्चंस थे मैंने वो भी एक दफा क्लियर करने हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 17 मिनट और पड़े हैं, ठीक है? इसको क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? पहले तो सबसे पहले मैं पिछले क्लास के लेक्चर जो रह गए थे, जो क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं लेना कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, मैंने यहां तक क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था कि बिटवीन ऑसिलेशन एंड डैम्प ऑसिलेशंस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑसिलेशन हीट डैम्प ऑसिलेशन हो जाती है जब वो वेव है जो डाई आउट कर जाए। इस वाली एग्जांपल में भी अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं वेव प्रोड्यूस करता हूँ तो ये जो मैंने एक वेव प्रोड्यूस किया ये है, हयात चलती नहीं रहेगी, वो थोड़ी देर जाके रुक जाएगी या बंद हो जाएगी, ठीक है? उस इसी वजह से होता है क्योंकि जो एनर्जी है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में कुछ ये है कि एक साइड से दूसरी साइड तक करते रहते हैं थोड़ी सी जो साउंड आती है वो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए आपने आपने देखा कि भाई एनर्जी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर एनर्जी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाती है तो खत्म होगी, ठीक है? लेकिन आपने सुना है देखे जो वेव्स आती है तो उसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? आपने ये एनर्जी इस कोर के अंदर भी ट्रांसफर हो रही है। ये बात है कि जो इसके कोने हैं इस पे भी जाके एनर्जी टकरा रही है, तो इसको भी इसने धक्का देने की कोशिश कर रही है, बेशक ये यूजलेस फोर्स है लेकिन उसने फोर्स अप्लाई किया, तो दैट इज दैट बिकम्स द डैम्प ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन डाई आउट कर जाती है, ठीक है? डैम का मेन मीनिंग बता दिया था किसी भी चीज का कम होना। अच्छा, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव फोर्सेस, ये लाइक क्वेश्चन था पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चन बता रिस्ट्रिक्टिव फोर्सेस देखें। अपोजिशन जिस तरह होती है बेसिकली वही चीज है कि किसी भी चीज को अपोज करना दैट इज अ रेजिस्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है? और दैट फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। अब देखें कार को आप रेस देते हैं, आप बाइक की चले बात करते हैं, बाइक की अगर आप रेस देते हैं तो बाइक स्पीड में चलेगा, लेकिन आप रेस छोड़ दें, ठीक है? ब्रेक भी ना दबाएं, कुछ भी ना दबाएं, कुछ टाइम के बाद जाकर वो बाइक रुक जाएगा, क्यों रुकेगा? अभी तो उसको चलना चाहिए। अब उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्सेज आती है उसको रोकने के लिए बहुत सारी रेजिस्टिव फोर्सेज है। कौन कौन सी है? सबसे पहली तो है उसकी टायर्स की और जमीन के बीच जो फ्रिक्शन है, ठीक है? फ्रिक्शन आपकी रेजिस्टिव फोर्स है, यानी फ्रिक्शन आपको स्पीड को कम करता जाएगा, दैट इज द मेजर फोर्स। दूसरी फोर्स क्या कौन सी है कि जो उसके टायरों के बीच के अंदर की जो फ्रिक्शन है वो, ठीक है? फिर तीसरी फोर्स को जो आपको फ्रंट से हवा आ रही है वो हवा आपको रोकने की कोशिश करेगी, बेशक वो कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इट इज देयर, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि बांदर बांदर बाइक रुक जाती है कुछ टाइम के बाद जाकर, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। अंदर की दुनिया के एक तरीके से बने और यहां तक कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थे पिछले लेक्चर्स के। और अभी के मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि व्हाट इज मीडियम, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मीडियम। मीडियम इज अ स्पेस, मतलब किसी भी चीज, अब देखें आपका आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते तो आपका मीडियम क्या है? जमीन, जमीन के ऊपर चल रहे हैं ना, ठीक है? अगर आप एयरप्लेन में जा रहे हैं तो आप व्हाट इज योर मीडियम, एयरप्लेन का अपना मीडियम एयर है, आपका मीडियम है एयरप्लेन। कोई भी चीज जहां पर मूवमेंट कर रही है, जहां पर मूव कर रही है, ठीक है, जिस जगह पर मूव कर रही है दैट जगह दैट प्लेस इज कॉल्ड द मीडियम, ठीक है? अब जिस तरह साउंड वेव है, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आपके कानों में आवाज जा रही है, अगर आप इवन मेरे सामने बैठे भी होते इधर तो वो बेसिकली मैं वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, तारे वगैरह तो नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप वहाँ से कानों से सुन रहे हैं, ये बेसिकली दिस इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ से साउंड वेव आपके कानों तक पहुंच कैसे रही है? थ्रू एयर, ठीक है? अगर मैं यही मैं पानी के अंदर बोलूँ आपके साथ या स्पेस में जाके बोलूँ तो आपको आवाज नहीं आएगी, मुझे खुद की आवाज मुझे नहीं आएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि साउंड को कोई ना कोई जगह चाहिए चलने के लिए, उसको
रास्ता चाहिए तो वो दैट प्लेस इज कॉल्ड द मीडियम. अब एयर है, एयर के अंदर चलती है वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स एयर के अंदर चलती है, सो दैट इज कॉल्ड द मीडियम. मैंने आप म्यूट कर दी सबका, अभी भी है. अच्छा, जिन जिन का माइक म्यूट नहीं है तो वो म्यूट कर लें अपना, ठीक है, बाकी बच्चों को पढ़ने दें थोड़ा. आई होप अभी क्लियर होगी होगी आवाज, क्योंकि म्यूट तो मैंने कर दिया सबको, फिर भी पता नहीं अनम्यूट नहीं हो जाए, खुद ही कर लेते हैं म्यूट. अच्छा, डस साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपगेट इन वाटर, प्रोपगेट करते हैं वाटर के अंदर प्रोपगेट करते हैं, लेकिन बहुत कम उनकी होती है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि देखें वाटर जो है वो बेसिकली सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो भी लिक्विड्स वगैरह है ना, वो जो जितने भी टाइटली पैक उसके अंदर एलिमेंट्स या जिसके जो कहते हैं ना एटम्स होते हैं, ठीक है, जितने टाइटली पैक होंगे उतनी ज्यादा ही साउंड वेव्स कम ट्रैवल करेंगी, ठीक है, और जितने ही लूजली पैक्ड होंगे उतनी ज्यादा दूर ट्रैवल करेगी. जिस तरह साउंड के अंदर देखें जो एयर की हम बात करते हैं तो वहां पर पार्टिकल्स ऑफ एयर बड़े दूर दूर हैं, क्योंकि एयर बेसिकली इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल गैसेस, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मैंने जब साउंड प्रोड्यूस की तो मेरी वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में ट्रांसफर होती है, ठीक है, मेरी एनर्जी अब क्या हुआ कि जो मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली मुंह के सामने जितने पार्टिकल्स हैं वो वाले पार्टिकल जो थोड़ा सा अगले पार्टिकल्स हैं उनकी तरफ एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा अंटिल के वो काफी दूर जाकर वो आवाज खत्म हो जाएगी, ठीक है. अब देखिए जितने कम पार्टिकल्स होंगे एनर्जी लेने के लिए उतनी ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी ना, ठीक है. अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं, इसकी एग्जाम्पल तो मेरे जहन में अभी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप इसको एज लॉजिकली लेकर चलें तो अब देखिए जितने मेरे पास एक सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को मैंने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर वो एनर्जी कैरियर अगर बीच में कम होंगे, मतलब एनर्जी लूज करने वाली चीजें कम होंगी, जिसको मैं एनर्जी दूंगा वो हर पार्टिकल अपने पास एनर्जी लेकर अब्सॉर्ब कर लेता, ठीक है, वो फिर ट्रांसफर करता है, उसमें भी एनर्जी लॉस होती है. तो जब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहां पर एनर्जी लॉस भी आता है, एनर्जी एब्जॉर्बेशन भी आती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस होते होते तो अगर वो वाले पार्टिकल जो बीच में वो अगर कम है तो एनर्जी कम लूज होगी, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत कम बहुत ज्यादा लूज होगी, ठीक है. वाटर के अंदर भी यही चक्कर है कि वो उसके अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं कि वो बिल्कुल आपके मुंह के सामने ही डाई आउट कर जाती है आवाज, ठीक है, दैट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया, उसके अंदर ये दो चार चीजें भी कवर हो जाएंगी. अब देखें उसमें ऑसिलेशन बड़ी जल्दी डैम्प भी हो गई है और क्या कहते हैं कि एनर्जी सारी की सारी अब्सॉर्ब और वहीं पर लॉस होगी, ठीक है, आवाज फिर भी जाएगी, मतलब प्रोपगेट करेगी क्योंकि मीडियम है उसमें, लेकिन दूर तक नहीं करेगी. अच्छा, क्वेश्चन अबाउट मैकेनिकल वेव्स, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट आएंगे बच्चे, किसकी एग्जांपल दूं, आपने पूछा ना कि एग्जांपल दे, सारी एग्जांपल दे, जी क्वेश्चन करते जाएं, चैट में लिखते जाएं क्वेश्चन, मैं आपके आंसर देता जाऊंगा, 10 मिनट रह गए हमारे पास क्लास में. इस दफा मैंने क्लास में ध्यान भी नहीं दिया कि बच्चों ने म्यूट किया, आपने आपको नहीं किया, आप क्या कह सकते हैं, तरबियत का इशू होता है सबसे बड़ा, अगर ये जो शोर मचाते रहे हैं, तंग कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो वालदैन की अपनी असलियत का अंदाजा दिला रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन करें जी, जी बच्चे लिखो, देयर इज मैकेनिकल वेव्स इन हेडसेट, ऑफकोर्स. अब जो आपके हेडफोन्स के अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं दैट इज अ डायफ्राम स्पीकर, ठीक है, वो जब तक वाइब्रेशन अप एंड डाउन उसकी नहीं होगी या राइट एंड लेफ्ट, जिस तरह भी आपने स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर जितना बड़ा हो या जितना भी छोटा हो उसने वाइब्रेशन करके ही साउंड देना है,
ठीक है, उसके अलावा और तो किस तरह साउंड देगा मुझे बताएं। ऑनलाइन टेस्ट का भी हम सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे दिमाग में जो एग्जांपल लिए वो मैं कैसे दूं, एक चीज दिमाग में ही नहीं आ रही। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन एयर और इन वाटर, ऑफ कोर्स इन। अच्छा एक और बात, अगर साउंड वेव प्रोड्यूस की जाए एयर के अंदर और वही साउंड वेव प्रोड्यूस की जाए एक मेटल के अंदर, मेटल के अंदर किस तरह प्रोड्यूस करेंगे कि अगर आप एक मेटल को एक साइड पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, विद अ हैमर और अ स्पून, जिससे भी आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो दूसरी साइड पे उसकी आवाज सुनाई देती है। तो अब यहाँ पर आपको फायदा होगा कि जितने टाइटली पैक्ड उसके एलिमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा वो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अब शायद उसी के अंदर भी एग्जांपल वो हो जाए, कवर हो जाए। अगर मेरे पास बंदे खड़े हैं, अभी मैंने एक सामान है कार के अंदर लेकर आना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दो बंदे, एक सामान के पास खड़ा है, एक मैं खुद लेकर आ रहा हूँ, तो वो उसने उठा कर मुझे दिया सामान, मैंने चल कर घर के अंदर तक सामान लेकर आया, टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन मैं बीच में तीन बंदे खड़े कर देता हूँ, ठीक है, एक सामान उसने उधर दिया, मतलब उसने एक बोरी उठाकर अगले बंदे को दी, अगले बंदे ने फिर उसे अगले को दी, इसने फिर उसे अगले बंदे ने मुझे दी और उसने मैंने आगे रख दिया सामान, ठीक है। ये थोड़ा सा काम जल्दी होगा, अगर मैं ये वाले अमाउंट ज्यादा करता जाऊं तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड भी इसी तरह इंक्रीज होती जाएगी कि वन जो वन एटम्स है या वन एलिमेंट है या वन सब्सटेंस है, अगर एक एनर्जी लेता है तो दूसरे एनर्जी दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देने के लिए उसको कितना दूर भागना पड़ेगा, ठीक है। अब मेटल्स के अंदर बहुत नजदीक होते हैं एलिमेंट, तभी तो वो मेटल है ना, मेटल अगर आपको कोई भी चीज नजर आ रही है आप उसको छू सकते हैं, तो उसका ये मतलब है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है या एटम्स है दैट आर टाइटली बाउंड, ठीक है, वो उसके बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड एलिमेंट्स है, ठीक है। एयर है, एयर आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन है इस तरह की है कि वो बड़े लूजली बाउंड है, ठीक है। तो उसमें यही है कि फिर उस कंडीशन में आपकी स्पीड ऑफ साउंड विल बी फास्टर इन मेटल्स, लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में स्पीड तो तेज होगी, स्पीड तो तेज होगी लेकिन दूर नहीं जा पाएगी, ठीक है। अगर आप साउंड में, मैं यहाँ से बैठा हूँ तो मेरी दूसरी क्लास तक आवाज जा रही है, ठीक है, अगर मेरी आवाज दूसरी क्लास तक भी जा रही है तो अगर मैं वाटर के अंदर बोलूंगा तो मेरी आवाज क्या पता कि मेरे साथ जो जुड़ा इंसान है उसकी भी आवाज नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी डाई आउट हो जाएगी और बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। कॉपी वर्क नहीं होगा आज, ये सिर्फ एक्टिविटीज अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, हाउ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम अ स्पीकर ऑफ अ मोबाइल टू द ईयरफोन्स, व्हिच काइंड ऑफ वेव्स आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। अब इसके अंदर दोनों की दोनों वेव यूज हो रही हैं, इसके अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स भी हैं, इसके अंदर मैकेनिकल वेव्स भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पर हैं, जब आपके एक फोन से दूसरे फोन के बीच का जो कनेक्शन है, जो वायरलेसली कनेक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ फोन के अंदर, ठीक है, जो मेरी आवाज़ है वो मैकेनिकल है, आपकी फोन आवाज जाती है उसके माइक के अंदर, ठीक है, माइक आपका क्या करता है कि जो माइक है वो भी मैकेनिकल वेव्स को एक्सेप्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, उसको फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वायरलेसली थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज देता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बीच में प्रोसेस है और हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 10th की क्लास के इसी की क्लास में पढ़ेंगे और सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट में गालमन हमारा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन फिर भी बताता हूँ कि यहाँ से फिर ट्रांसफर होगा थ्रू इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जब रिसीव होता है, जब रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से उसको मैकेनिकल वेव्स के अंदर कन्वर्ट करके आपके स्पीकर्स को देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करेगा, स्पीकर को देगा, स्पीकर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स आपको आपके ईयर के अंदर वो देगा, ठीक है। 4 मिनट रहेगा हमारे पास क्लास में, जी बच्चे क्वेश्चन करें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया या दोबारा रिपीट करना हो तो मुझे आप बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर डेप्थ है और मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारा
कवर कर सकूं जितनी भी बेसिस हैं सारी इसकी। आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप उधर से पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन ये बुक के अंदर है, बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू बेटा जी। विजय बच्चे सर जी कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपको। गिव एग्जाम्पल ऑफ वेव फ्रॉम द डेली लाइफ। ठीक है जी, वेव्स की एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जिस तरह साउंड वेव्स, मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है, दैट इज अ वेव। ठीक है, मोबाइल के अंदर वेव्स हैं, वो सारी वेव्स। इसी तरह ऐसी एग्जाम्पल जो मैंने आपको ना दी हो, हीट वेव्स मैंने एग्जाम्पल आपको दी है शायद, हाँ दे दी है, वो सूरज से जो आप वेव्स आ रही हैं द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। उसके अलावा वेव्स आपने समंदर में भी देखी है, वेव्स वगैरह, उसको भी वेव्स ही बोलते हैं। अच्छा, आई थिंक ये भी वेव्स ही होती हैं। अच्छा, एक और बात, अगर हम ग्लोबली बात करें तो जलजला जो आता है बेसिकली, दैट इज आल्सो अ वेव। एक पॉइंट पर जलजला आता है, वो एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह पर जाता है, तो आपको वो फील होता है जलजला या अर्थक्वेक महसूस होता है, दैट इज आल्सो अ वेव। दैट इज दैट वेव, उसका नाम एक होता है साइज्मिक वेव्स, तो आपने शायद नाम भी सुना हो। ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वेव, वो उसकी उसकी भी प्रोपगेशन के लिए अर्थ का होना लाजमी है। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल अगर आप खुद दे दें, इधर ग्रुप में लिखते जाएं आप चैट में, अगर आपको खुद लग रहा है कि हाँ ये है मीनिंग ऑफ रिपल्स। रिपल्स का मतलब है जो लहरें होती हैं बेसिकली। ठीक है, रिपल्स का मतलब है कि लहरें होती हैं, या फिर जो डिस्टर्बेंस को बेसिकली रिपल्स बोलते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन जो वेव्स आपकी मोशन कर रही हैं, उसकी जो वेव्स हैं वो बेसिकली दैट इज अ रिपल। मैंने नहीं मांगा, नहीं नहीं जी वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट हमारे पास रह गया, हमने इस क्लास को खत्म करना है जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस आप लोगों के जितने होंगे तो उतना ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। रिपल टैंक बचे ऐसा टैंक है जिसके अंदर हम इजीली वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला जो टैंक है, इसके अंदर हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द इन ऑर्डरली फैशन, इन कंट्रोल फैशन। अगर मैं समुंदर के अंदर जाकर लहरें प्रोड्यूस करूंगा तो वो उसने ता हाथे निगाह, उसने चलते जाना, हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसमें ये है कि हमें वेव्स क्लियरली नजर भी आएंगे। एक तो छोटा टैंक है ना, छोटे टैंक के अंदर हमें इजीली वेव्स नजर आ जाती हैं, इसी वजह से इसको हम छोटा सा टैंक के अंदर हम रिपल्स प्रोड्यूस या वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वेव्स और रेडिएशन में डिफरेंस बच्चे, वेव्स रेडिएशन के थ्रू जाती हैं, रेडिएशन इटसेल्फ इज नॉट अ वेव। रेडिएशन का मतलब है कि रेडिएट करना, एक मतलब निकालना, निकालने को या सेंड करने को रेडिएशन बोलते हैं। जिस तरह आपकी आपने साउंड रेडिएट की अपने मुंह से, ठीक है, एक्सरेज भी रेडिएट होते हैं फ्रॉम अ सोर्स, आपके मोबाइल फोन के टावर्स के अंदर से रेडिएट हो रहे हैं, क्या जी सिग्नल रेडिएट हो रहे हैं, हीटर में से हीट रेडिएट हो रही है। ठीक है, ये चीज इसमें ये कोई डिफरेंस क्या है, ये तो आपस में मिलते जुलते भी नहीं है। वेव्स रेडिएट होती हैं एक जगह से, वो इस नाम कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तो ये आवाज थोड़ी सी मेरे से भी गलती होगी, आप लोगों को मैंने म्यूट नहीं किया,